हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरी एक फ्रेंड है सोसाइटी में, वो काफ़ी अरसे से मेरे साथ रह रही थी। तो उसके जो हस्बैंड है वो रिटायर हो रहे हैं, तो उन्होंने एक छोटी सी रिटायरमेंट पार्टी रखी हुई है, क्योंकि अपने हस्बैंड को सरप्राइज दे रही हैं। वो आज आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कल ही आके बताया था कि 11:30 बजे से पहले आ जाना। और मैंने कुछ छोटी सी पार्टी रखी हुई है उनकी उनके वेलकम के लिए, तो मुझे वहीं जाना है। तो उन्होंने कैसी पार्टी रखी है, वहाँ पे क्या क्या एंजॉय होने वाले हैं, तो चलिए हम आपको वहीं पे ले चलते हैं। लेट्स गो। तो ये देखिए आप, यहाँ पे स्पेस कम है, बट यहाँ पे जो वेलकम की जो रंगोली बनाई है, वाह कितनी अच्छी रंगोली बनाई है। और पूरी जो रंगोली है पूरी फूलों से बनाई हुई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो चलिए अंदर देखते हैं कैसी रंगोली बनी है। तो यहाँ पे अभी प्रोसेस चालू है, अभी पूरा यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ है। मैं थोड़ा लेट हो गई और उन्होंने मुझे 11 बजे बुलाया था, बट यहाँ पे 11:30 बज गए हैं और मेरे पहुँचने से पहले यहाँ पे ज़्यादातर काम ख़त्म हो गया है। थोड़ा बहुत यहाँ पे बस तैयारियाँ चल रही हैं। ब्यूटीफुल। तो आप यहाँ पे सजावट देख सकते हैं, कितनी प्यारी सजावट की है सभी लोगों ने मिलकर। और यहाँ पे देखिए पीछे वेलकम के नीचे तिरंगा झंडा भी लगाया है, जिससे साफ पता चल रहा है कि कोई देश का जवान रिटायर होकर अपने घर आ रहा है, अपने बच्चों के पास आ रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए घर की डेकोरेशन तो मैंने आपको दिखा दी है, अब यहाँ पे बारी आती है इनकी मैडम की, तो वो भी यहाँ पे सजने संवरने में लगी हैं। तो इनके चेहरे की जो खुशी है वो बता रही है कि ये कितनी खुश हैं। तो इनके बच्चे और मतलब ये खुद भी बहुत ही खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सारी तैयारियां हो गई हैं, भैया भी आ गए, पर उनको छुपा के ऊपर रखा गया है, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा सा काम बचा है अभी। क्या लाए हो, पटाखे फोड़ोगे? नहीं नहीं, आज दूसरा लेके आ रहे। लेके आओ, चेंज करके आओ। तो यहाँ पे मैं मिलवा रही हूँ इनकी मैडम से। तो ये देखिए यहाँ पे इनका लुक कितना प्यारा लग रहा है, ये महाराष्ट्रीयन लुक में तैयार हुई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। और यहाँ पे इनके चेहरे का नूर बता रहा है कि इनके हस्बैंड आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रही है। काला टीका तो लगा दो। काला टीका, काला टीका लगाओ। कहाँ है? ढूंढ के लाओ। नहीं नहीं, हमारे पास नहीं। आपके पास ही होगा काजल। सो ब्यूटीफुल। तो इन्होंने अपने हस्बैंड के आने की खुशी में पूरे घर में दिए जला दिए, पूरे घर को दिए से रोशन कर दिया है, बहुत ही सुंदर रोशन है। तो बच्चे देखिए यहाँ पे अनार पटाखे फुलझड़ी छोड़ रहे हैं, जो पापा के खुशी में। राधिका आता तुम्ही सांगितलं तो इनके हस्बैंड और वाइफ का आपस में एक दूसरे का नाम लेना होता है। बघा।
तुम्हारी कटिंग बहुत बढ़िया है, सो स्वीट, कितनी प्यारी बच्चियां हैं दोनों। त्यानंतर जम्मू श्रीनगर, श्रीनगर अंबाला। और सबसे अच्छी बात ये है कि जहाँ जहाँ ये थे वहाँ वहाँ मैं भी थी। 10 साल से ज्यादा ही हो गए होंगे ना, 12-13 साल से हम साथ में ही हैं। और एक ही यूनिट से गए तेजपुर, तेजपुर से आया पूना। हम तीनों मतलब तीन लोकेशन एक साथ रहे हैं, पूरा 10-12 साल से साथ में ही हैं और एक ही यूनिट में। ये भी एक वो है, क्या बोलते हैं, संयोग है। कैसा लगा आपको अभी इस पूरा सर्विस करने के बाद में लास्ट में, क्योंकि मुझे भी अभी आना है थोड़े दिन के बाद। धूप तो लगता है, बुरा तो लगता है, सही है इतने साल सर्विस करके। सबसे मतलब हमारा घर तो वही है, सही ये घर तो हमारा मतलब मायके जैसे है, ठीक है। हम तो सबसे ज्यादा तो फौज में रहते है, 3 महीने के लिए अपना घर आते है। सबसे बढ़िया मतलब घर तो वही है अपना, सही है। ड्यूटी करके सब लोग एकदम मतलब सही सलामत घर में आना भी, ये भी बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बात है। आज के मतलब टाइम इतना ही है। जो इंसान अच्छे से घर आ गया अपने बच्चों के पास, जम्मू कश्मीर या जैसे हिमाचल या अरुणाचल जाएगा तो वहाँ जब पहाड़ी देखेगा तो ऐसे लगता है कि आदमी को हम बच के वापस नहीं जाए। गाड़ी पीछे चली गई तो समझ लो गाड़ी का भी कुछ नहीं मिलना है, आदमी का भी कुछ नहीं मिलना है। एक रिक्स है मतलब कैसे, एक हथेली पे ऐसे नहीं लेके घूम के और जब पूरा करके सर्विस लौट के अपने घर पे आओ, सबसे बड़ी भगवान का क्या बोलते हैं हाथ रहता है, वही लास्ट में आते भगवान को हाथ जोड़ के आते कि जैसे हम गए थे वैसे ही आए जा रहे घर यहाँ से, सही है। सर्विस करके बहुत बहुत आपका वेलकम। हेलो वेलकम पार्टी थी, बहुत अच्छी पार्टी थी, बहुत मजा आया और बहुत अच्छा लगा। मैं चली आई, उनके अभी तो उनको प्रोग्राम से मिलने वाले लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मुझे जितनी देर वहाँ पे सेलिब्रेशन करना था करके आ गई हूँ, तो सच में बहुत अच्छा लगा। और उनकी जो फैमिली थी बहुत ज़्यादा खुश थी, और बच्चे तो पटाखे वगैरह भी फोड़ रहे, फुलझड़ियाँ वगैरह भी चला रहे थे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।